हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वर्ष 2013 और 14 में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हाशिए पर गई कांग्रेस पार्टी अब जनता के बीच अपने आप को स्थापित करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के नेता रैलियों को संबोधित करने के लिए एक ही बस में सफर कर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उदयपुर संभाग के प्रसिद्ध चारभुजा धाम से आज कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान रैली का आयोजन किया जा रहा है। मेवाड़ के कद्दावर कांग्रेसी नेता सीपी जोशी द्वारा आयोजित की जा रही इस किसान रैली में संभाग भर के किसान जुटेंगे। इस रैली को संबोधित करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे और सह प्रभारी तरुण कुमार आज उदयपुर पहुंचे। इन नेताओं के एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके पश्चात ही नेता एक ही बस में सवार होकर इस किसान रैली को संबोधित करने के लिए एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान कर गए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट के बीच लगातार खींचतान देखने को मिल रही थी, लेकिन आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद अब यह दोनों ही नेता बस पॉलिटिक्स के माध्यम से जनता को एकजुटता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत के स्वागत के दौरान अनुशासनता का पाठ पढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जमकर हाथापाई देखने को मिली। इस दौरान बड़ी सादड़ी के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी के पुत्र राजा चौधरी और उनके विरोधी खेमे के दीपक मेवाड़ा के समर्थक आपस में भिड़ गए। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।